हेलो एस्पिरेंट्स, आइए देखें आज की अखबार की मुख्य सुर्खियां। फ्रंट पेज की खबर है, गवर्नमेंट वांट्स टू रिटर्न एक्सेस लैंड इन अयोध्या। मंगलवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना इरादा जाहिर करते हुए कहा है कि 0.313 एकड़ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद क्षेत्र के आसपास की जमीन जो कि जब्त की गई थी वो अतिरिक्त है और सरकार इसे अपने सही मालिक को फिर से देना चाहती है। कुल 67.703 एकड़ जमीन, जिसमें 0.313 एकड़ विवादित क्षेत्र भी शामिल है, 1993 में केंद्र सरकार द्वारा अर्जित किया गया था ताकि भारत के लोगों में कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सौहार्द और सामान्य भाईचारे की भावना बनी रहे। सरकार का ये कहना है, जो कोर डिस्प्यूटेड एरिया है, कोर विवादित क्षेत्र, वो सिर्फ 0.31 एकड़ का है, जबकि 1993 में 67.70 एकड़ जमीन जब्त की गई थी, अर्जित की गई थी। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि जो अविवादित भूमियां हैं, वो उनके मूल स्वामियों को, ओरिजिनल ओनर्स को, टाइटल के डिसीजन आने के बाद कर दी जाएगी और इस जमीन में से सरकार 42 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देना चाहती है, जिसे 1992 में ये जमीन लीज पर दी गई थी। फ्रंट पेज की ही अगली खबर है, गोल्ड टर्न्स रेड हॉट, प्राइस एट अ पीक। मंगलवार को सोने की कीमत भारत में रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ चुकी है और ऐसा बहुत सारे कारणों की वजह से हुआ, जैसे कि ग्लोबल डिमांड, वैश्विक मांग में बढ़ोतरी, स्पेशली सेंट्रल बैंकों की मांग और सोने के खनन की मात्रा में गिरावट, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में इसकी कीमतें बढ़ गई है। अब आते हैं पेज 5 की खबर पे, स्टेनाइट प्लांट इज पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर ऊपर रिवर। टीएनपीसीबी, तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्रदूषण थूथुकुड़ी स्टेरलाइट कॉपर प्लांट से होते हुए ग्राउंड वाटर और पास की ऊपर नदी तक पहुंचा और उसे प्रदूषित करा। तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह भी कहा कि नदी की धारा में प्रदूषण के आने का और उसके बहाव में रुकाव आने का कारण सिर्फ और सिर्फ कॉपर का ये कारखाना है। यहां तक कि ग्राउंड वाटर में टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, टीडीएस, की मात्रा परमिसिबल लिमिट, अनुमेय सीमा से 20 से 40 टाइम्स ज्यादा है। अगली खबर है पेज 7 पे, राजस्थान जीका स्ट्रेन इज एंडेमिक टू एशिया, सेज न्यू स्टडी। इन्फेक्शन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जर्नल में पब्लिश हुई एक नई स्टडी के अनुसार, जीका वायरस, जिसकी वजह से पिछले साल राजस्थान में तकरीबन 159 लोग संक्रमित हुए थे, इसकी पूरी पूरी संभावना है कि ये वायरस पिछले कई सालों से भारत में घूम रहा था और एशिया में एंडेमिक है, स्थानिक है। ये स्टडी पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लेखकों द्वारा की गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अंतर्गत एक संस्थान है और ऐसा एकमात्र पहला संस्थान है जिसने जीका वायरस के जीनोम्स का पूरी तरह से सीक्वेंस कर लिया है भारत में। अगली खबर है, 139 पॉल्यूटेड सिटीज नॉट ऑन क्लीन एयर प्लान, सेज रिपोर्ट। ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 139 शहर ऐसे हैं जो कि वायु प्रदूषण के मानकों का, एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें केंद्र के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP में शामिल नहीं किया गया है। NCAP सरकार द्वारा इस महीने लॉन्च किया गया है, जो कि 300 करोड़ रुपए की एक पहल है ताकि 2024 तक कम से कम 102 भारतीय शहरों में PM पर्टिकुलेट मैटर प्रदूषण 20 से 30% तक घटाया जा सके।
ग्रीन पीस की ये रिपोर्ट जिसका टाइटल है एयरपोकलिप्स 3। इसमें साल 2017 के लिए तकरीबन 313 शहरों का वायु प्रदूषण डेटा विश्लेषित किया गया है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ जो है पेज 10 पे। टू मेंबर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल पैनल क्विट। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के दो बचे हुए सदस्यों ने भी विरोध में रिजाइन कर दिया है, ये कहते हुए कि इस निकाय को दरकिनार किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है। पीसी मोहनन और जेवी मीनाक्षी ने सोमवार को अपना इस्तीफा दे दिया है और अब एनएससी में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में सिर्फ नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, जो कि एक्स ऑफिशियो सदस्य के रूप में है इसमें, और भारत के चीफ स्टैटिस्टिशियन प्रवीण श्रीवास्तव ही रह गए हैं। अगली खबर है व्हाई नो एक्सपर्ट्स ऑन आरटीआई पैनल्स आज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन निकाय स्पेशली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाहों द्वारा क्यों चलाया जा रहा है। जस्टिस ए के सिकरी जो कि उस बेंच का नेतृत्व कर रहे थे जिसमें जस्टिस एस अब्दुल नजीर भी शामिल है, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 में ये जनादेश है कि अलग अलग अनुभव वाले लोग जो कि भिन्न क्षेत्रों से आएंगे वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में काम करेंगे। साथ ही साथ जस्टिस सिकरी ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद के लिए तकरीबन 280 आवेदन मिले हैं, जिसमें से 14 लोगों को चुना गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन ये सारे के सारे तकरीबन ब्यूरोक्रेट्स ही है, नौकरशाह ही है। पेज 11 पे खबर है सेंटर्स नॉट टू 7,214 करोड़ ऑफ रुपीज डिजास्टर रिलीफ। 2018-19 के खरीफ के मौसम के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति के लिए गृह मंत्रालय ने 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी को 7,214 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इस स्वीकृत राशि में से 4,714.28 करोड़ रुपए महाराष्ट्र को दिए जाने हैं, 949.49 करोड़ रुपए कर्नाटका को दिए जाने हैं, 900.4 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को दिए जाने हैं, 317.44 करोड़ हिमाचल प्रदेश को दिए जाने हैं, 191.73 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को दिए जाने हैं, 127.60 करोड़ रुपए गुजरात को और 13.9 करोड़ रुपए पुदुचेरी को दिए जाने हैं। इनमें से महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और गुजरात को ये राशि सूखा पड़ जाने की वजह से दिया जाना है। हिमाचल प्रदेश को यह राशि बाढ़ और भूस्खलन की वजह से दिया जाना है, उत्तर प्रदेश को यह राशि बाढ़ की वजह से और पुदुचेरी को। अब आते हैं आखिरी पेज पे जहां खबर है नासा सोलार प्रोब बिगिंस सेकेंड ऑर्बिट ऑफ सन। नासा के पार्कर सोलार प्रोब ने अपने दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी है। यूएस की स्पेस एजेंसी नासा का यह कहना है कि अपनी लॉन्च के सिर्फ 161 दिन बाद ही पार्कर प्रोब ने सूर्य का अपना पहला परिक्रमा कंप्लीट कर लिया था और अब इस स्पेसक्राफ्ट ने अपनी दूसरी परिक्रमा की शुरुआत की है। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। सक्सेस फॉर गोल्डन लंगूर ब्रीडिंग प्रोजेक्ट इन असम। असम के पर्यावरण और वन मंत्री परिमल शुक्ल बैद्य ने मंगलवार को ये अनाउंस किया है, घोषणा की है कि राज्य का गोल्डन लंगूर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम सफल हुआ है। गोल्डन लंगूर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2011-12 में गुवाहाटी के असम स्टेट जू में शुरू किया गया था। आपको बता दें कि गोल्डन लंगूर वर्तमान में संकटग्रस्त है, एंडेंजर्ड प्रजाति है और इसका साइंटिफिक नाम है ट्रेचिपिथिकस गी। इसी के साथ हमारा आज का द हिंदू की सुर्खियों का विश्लेषण यही खत्म होता है।